लेसन 12 कंजक्शन चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का. कंजक्शन आर लिंकिंग वर्ड्स. कंजक्शन क्या होते हैं? ये लिंकिंग वर्ड्स होते हैं. दे आर यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, वर्ड ग्रुप्स एंड सेंटेंसेस. ये क्या करते हैं? वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन का यूज़ होता है. इसे हम लोग ये लिंकिंग वर्ड्स होते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जैसे यहाँ दिया हुआ सेंटेंस एग्जाम्पल में, अंजलि एंड अनु आर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे एंड जो है वो कंजक्शन है, दो को जोड़ा गया है, ज्वाइन किया गया है. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड एंड ज्वाइन द वर्ड एंड वर्ड ग्रुप्स सो दे आर कंजक्शन. ठीक है, ये दो क्या हुआ, दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है इसने, तो क्या है, ये कंजक्शन है. रीड द सम कॉमन कंजक्शन. कुछ कॉमन कंजक्शन दिए हैं जो इस में दिया हुआ है. जैसे यहाँ पे कौन कौन से कंजक्शन है देखना है हमें. आफ्टर, ऑल्सो, ऑल दो, एंड, एज, बिकॉज, बिफोर, बट, एल्स, इफ, और, सिंस, सो, स्टिल, देन, दैट, दो, स्टिल, अनलेस, वाइल. ठीक है, ये वर्ड्स हैं, कुछ कॉमन कंजक्शन दिए हुए हैं. उसके बाद लिखा है को रिलेटिव्स क्या होते हैं. सम कंजक्शन आर यूज इन पेयर्स, दे आर कॉल्ड को रिलेटिव्स. तो क्या होते हैं, तो ऐसे कंजक्शन जो पेयर में यूज़ होते हैं. ठीक है, सम कंजक्शन आर यूज इन पेयर्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, जैसे बोथ शिल्पा एंड श्वेता वेंट टुगेदर. ठीक है, यहाँ पे बोथ और एंड यूज़ हुआ है, दो कंजक्शन जो है वो पेयर में यूज़ हुआ है. तो ये कौन सा क्या है, ये कोरिलेटिव्स. उसके बाद में और भी एग्जाम्पल है इसमें, उसका रीड सम कॉमन कोरिलेटिव्स. ठीक है, इसमें कुछ कॉमन कोरिलेटिव्स दे रखे हैं, जैसे ऑल दो, येट, एज, सो, बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नो सूनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और. ठीक है, ये हमेशा नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज़ होगा, नाइदर के साथ में नो नॉर, आइदर के साथ में हमेशा और यूज़ होगा, बोथ एंड यूज होगा. ठीक है, उसके बाद में इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल है इसमें, सम एग्जाम्पल्स फॉर ज्वाइनिंग सेंटेंसेस. जैसे ही वेंट टू दिल्ली एंड वेंट टू पटना. ठीक है, सेंटेंसेस को ज्वाइन करके लिखना है, तो उसमें आंसर इसका क्या होगा, ही वेंट नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो टू पटना. ठीक है, इसको ज्वाइन करके लिखना था. उसके बाद एक्सरसाइज ए है इसमें, पिक आउट द कंजक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें क्या करना है, इसमें से जो कंजक्शन है उसको पिक आउट करना है और हमें इसको राइट करना है. तो ये फर्स्ट वाले में यहाँ पे कंजक्शन कौन सा है, टिल का यूज़ हुआ है, सेकंड में बट, थर्ड में नाइदर नॉर है, फोर्थ में एज है यहाँ पे, फिफ्थ में कौन सा कंजक्शन है यूज़ हुआ है, एंड का यूज़ हुआ है, सिक्स्थ में आइदर और सेवेंथ में ऑल दो येट, और एट्थ में है स्टिल. एक्सरसाइज बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑलमोस्ट सुटेबल कंजक्शन. ठीक है, जो सुटेबल कंजक्शन हो उसे हमें फिल करना है इसमें. तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, और, सेकंड है बोथ एंड, थर्ड में बट, और फोर्थ में है आइदर और, फिफ्थ में क्या होगा, स्टिल, सिक्स्थ में एंड, सेवेंथ में अंटिल, और एट्थ में बिकॉज. इसी तरीके से एक्सरसाइज सी है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मींस ऑफ कंजक्शन. ठीक है, कंजक्शन का यूज़ करके हमें सेंटेंस को ज्वाइन करना है एक्सरसाइज सी में. फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस बुक इज़ थिन, दैट बुक इज़ थिक. इसको हमें ज्वाइन करना है, तो क्या हो जाएगा इसका, दिस बुक इज़ थिन बट दैट बुक इज़ थिक. यहाँ पे हमने बट का यूज़ करके ज्वाइन किया सेंटेंस को, क्या हो गया, दिस बुक इज़ थिन बट दैट बुक इज़ थिक. सेकेंड सेंटेंस है इसमें, हिज फादर इज़ वेल, हिज मदर इज़ इल. तो सेंटेंस को ऐड करेंगे, क्या है आंसर इसका, हिज फादर इज़ वेल बट हिज मदर इज़ इल.